नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जहानाबाद में महागठबंधन के उम्मीदवार सुरेंद्र यादव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी ने पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के महत्वपूर्ण चुनाव में साजिश के तहत लालू यादव को दूर रखा गया, लेकिन लालू के जेल में रखने से उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। इधर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि शराबबंदी के नाम पर नीतीश कुमार कमीशन का खेल खेल रहे हैं। बगल में झारखंड राज्य है, बगल में उत्तर प्रदेश राज्य है, सरकार ककर है, सरकार खनिये के है और हुमायूं से दारू यहाँ पर आवत है और वो दारू कैसे बिका है? 200 रुपए में जो दरुआ पहले नहीं थल थी 1500 रुपए में बिके थे। एक बड़ी बढ़िया से तेजस्वी बाबू कहता था और आखिर 1300 रुपए जो बच गए कहाँ जाए थे? एक मतलब है कि दारू बंद करे के उनका निहत न है, उनका निहत है पाछे से बड़का बड़का जो लोग है ना उनका पॉकेट भरे के और अपन भरे के भी है कि है कि मैं ऐसे जाए। वही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने भी सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आज नीतीश काम की मजदूरी मांगते चल रहे हैं, जबकि सूबे की जनता ने उन्हें 2005 और 2010 में ही मजदूरी दे दी थी। बोलेंगे और बिहार के जो पलटू भी है उनके बारे में नहीं कर रहा है, ये आजकल सब जगह मजदूरी मांग रहे हैं, तो इनको तो मजदूरी 2005 का 2010 में दिया, 2010 का मजदूरी 2015 में दिया, अब जो मजदूरी मांगने आ रहे हैं आपके पास वो सृजन घोटाला वाला मजदूरी मांगने आ रहे हैं, अब जो मजदूरी मांगने आए हैं आपके पास वो मुजफ्फरपुर में लड़कियों के साथ जो रेप हुआ उसका मजदूरी। चुनावी जंग में लगातार बयानों का दौर जारी है। कोई पार्टी पिछली सरकारों पर आरोप लगा रही है तो कोई सत्ताधारी पार्टियों पर। अब देखना है कि आखिर जनता क्या तय करेगी। जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।